बाप रे, क्या सीन है, किधर से ठोका है, क्या किया है, क्या पता। चलो भाई, ऑल सेट फॉर लॉन्ग राइड। मतलब ये राइड टोटल 10 दिन का होने वाला है, और वो भी साउथ की तरफ। मतलब लास्ट टाइम अपन ने नॉर्थ कवर किया था, लद्दाख वगैरह कवर किया था, ये साल हम लोग साउथ कवर करने वाले। तो एनीवेज, कैसे क्या पब्लिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका सबका प्यार, मेरा मैथ मुंबई का। तो भाई, टाइमिंग अभी हो रहा है 4:45, 5 बजे निकलने का हम लोग ने टारगेट पकड़ा है, तो 5 बजे तक तो हो ही जाएगा। बट ये सब तामझाम करते करते ये सब है ना, मतलब बाइक पे लोड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है। बहुत सारा सामान है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान था, धीरे धीरे कर करके अपने लगेज बैग में मैंने सेट कर दिया है। वैसे राइनोवो का डफल बैग छोटा सा, और ये सब है 25 लीटर सैडल बैग्स राइनोवो के। निकलते ही भाई बारिश आ गया, देखो उसमें टाइम चला गया। वैसे टाइमिंग हो चुका है 5:20। भाई गणपति अप्पा मोरिया श्री स्वामी समर्थ। सबसे पहला अपने को जाना है, मतलब आज का जो डेस्टिनेशन रहेगा वो मुंबई टू हुबली रहेगा। मम्मी पापा को बाय बाय करके हो गया, वो सबसे मैंडेटरी रहते भाई। तो वैसे हम लोग कितने राइडर हैं, हम लोग 2 ही जन हैं भाई। लद्दाख किया था तभी भी 2 थे, बट अपना ये फ्रेंड नहीं था, वो दूसरा एक फ्रेंड था लद्दाख वाला, उसको आने नहीं मिला, उसका शादी है अभी बहुत जल्दी। तो एनीवेज हम दोनों हैं अभी। हम लोग ने कहीं कोकन राइड किया है, गोवा वगैरह किया है हम लोग ने, तो तभी अपने ये परम मित्र ही थे, और अभी अपने साउथ राइड में भी अपने साथ में है। जैसे साउथ राइड अपना टोटल 10 दिन का होने वाला है, जैसे मैंने पहले भी बताया आप सबको। यहाँ से हम लोग मुंबई टू हुबली जाएंगे, 625 किलोमीटर है यहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं किधर, डोंबिवली साइड में, पलावा सिटी। क्यों? क्योंकि अपने को जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो स्क्रीन था ना, जो रिपेल के लिए दिया था, वो तो बना नहीं, बट जिनका वो स्क्रीन है, मतलब एआर मोटो वाले हैं, उन्होंने अपने लिए स्पेशल कुछ रिक्वेस्ट पे अरेंजमेंट करके दिया है स्क्रीन का। क्योंकि यार ना, इतना लंबा चौड़ा राइड करेंगे ना तभी काम आता है, वही एक चीज़ है। अभी इतनी लंबी राइड पे जा रहे थे, बट अब सर वो चाहिए यार। राइडर को क्रॉस कर चुके हैं। वैसे ये रोड से ना, ये 10 दिन में मैं तीसरी बार जा रहा हूँ, तीसरी या चौथी बार शायद से जा रहा हूँ। 2-3 बार तो वही राउंड मारा मैंने, वो अपना स्क्रीन आया है कि नहीं पूछने के लिए, मतलब लास्ट मोमेंट पर आज अपने को मिल रहा है स्क्रीन, वो भी अभिषेक की वजह से। एक्चुअली उसका बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलना चाहता हूँ मैं उसको, पहले मिलने दो यार, उसके बाद में। ओके, भाई अपना स्क्रीन यहाँ पे सेट हो चुका है, मैप भी लग चुका है। एक्चुअली अब अभिषेक ने बहुत हेल्प किया यार, मतलब ये सब के लिए, सच में बता रहा हूँ, मतलब इतना कोई नहीं करेगा। तो अभी फ़िलहाल तो है ना, मेरा एक्चुअली वायरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वहाँ से एक वायर ख़राब हो गया, तो भाई ने ला के भी दिया है एक नया वायर, बट वो सब कहीं पर तो जाके लगाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने पावर बैंक कनेक्ट किया है यहाँ पर, तो पावर बैंक से अपना ये सब कनेक्शन चल रहा है फ़िलहाल। ये सब टेम्पररी है, आगे जाके किधर तो वायरिंग पूरा चेंज कर डालेंगे। अभिषेक को है ना कल शायद पता चला कि मैं राइड पे निकल रहा हूँ, और उसकी वजह से ना उसको ऐसा लगा कि भाई तू रात के रात में आ जा, मैं तेरे लिए कुछ भी करके अरेंजमेंट करता हूँ स्क्रीन का। क्योंकि उसको पता है यार, वो एक राइडर को समझता ना, वो वाली एक थोड़ी फीलिंग है। मैंने राइड एंड राइडर वालों को भी बहुत रिक्वेस्ट किया था, बट कुछ हो नहीं पाया था वो टाइम पे वहाँ से। बट एनीवेज यार, इसने अपना हेल्प किया, और मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा, सच में बता रहा हूँ। कुछ तो यार हो पाया, बेचारे ने इतना मेरे को रात में भी फोर्स किया कि अभी के अभी आ जा, मैं तेरा स्क्रीन रेडी रखता हूँ। एनीवेज अभी यहाँ से है ना कुछ अपने को 11 घंटा बता रहा है, घर से निकलने के टाइम पे है ना
बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और घर वालों को है ना बहुत ज़्यादा फिक्र भी होने लगती है कि इतनी बड़ी राइड पे जा रहा है, तो वो लोग का फेस देख के है ना कहीं निकलते टाइम थोड़ा अजीब लगता है यार। मेरे को कल रात से वो हो रहा था, घर वाले बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। बट एनी वेज आई थिंक हर एक राइडर के साथ में ये होता रहेगा, कहीं पे भी वो जाते रहेंगे तो घर वालों को ही सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है अपने बच्चे की। पहला और दूसरा दिन है ना हम लोग के राइड का वो थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि पहले दिन पे हम लोग 650 किलोमीटर कवर करने वाले, सेकेंड डे पे हम लोग कुछ 450 किलोमीटर कवर करने वाले। मतलब फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ मुंबई टू हुबली और सेकेंड डे पे हम लोग हुबली टू मैसूर जाएंगे। चलो भाई अपने शॉट्स वगैरह लेने थे ड्रोन के, एक थोड़े बहुत ही लिए, ज़्यादा कुछ लिए नहीं, हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम इसके लिए, थोड़े बहुत शॉट्स वगैरह लिए। 10 दिन फुल मज़े करने वाले हैं। चलो भाई रुक गए हैं, का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा यार, ऐसा कब तक करेंगे समझे। तो अपना बाइक इस तरीके से रेडी है भाई, एक नंबर, सब वाटर प्रूफ है। इसकी वाटर प्रूफ नहीं, इसके ऊपर थोड़ा लाइनर दिया गया है तो वो डालना रहता है बस। वैसे गाइस अभी टाइमिंग हो चुका है 9:15 और हम लोग लोनावाला क्रॉस करके एक जगह पे रुके थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। निकले थे घर से 5:30 कुछ हो गया था, क्योंकि सब सामान वगैरह सेट करते करते टाइम लग गया और अपने को वो स्क्रीन बिठाना था तो वो चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो हम लोग आई थिंक टाइम पे ही थे। तो अभी अपन खाएंगे ये डोसा और अभी आएगा मिसल पाव। चलो भाई नाश्ता पानी हो गया, निकलते आगे अभी डायरेक्टली पूना या फिर सातारा रुकेंगे हम लोग शायद से डायरेक्ट खाना खाने के लिए। CRPF की गाड़ियाँ झंडा लहराते हुए, वाह वाह वाह। वैसे कल है 15 अगस्त, कल झंडे हर जगह पे लहराते हुए दिखेंगे अपने इंडिया के। टोटल 200 किलोमीटर्स कंप्लीटेड, तो ऑलमोस्ट अपना पुणे अभी क्रॉस हो चुका है, अभी टनल लग रहा है आगे 500 मीटर। आपको दिख रहा है कि नहीं क्या बता, पर ट्रक पे देखो क्या लिखा है, गरीब की हाय और चुतियों की राय कभी मत लेना। फर्स्ट टाइम भाई ट्राई किया अपन ने ड्रोन ऐसे एक्टिव ट्रैकिंग मोड पे, वो भी यहाँ पे है ना जुगाड़ करके मैंने माउंट किया, इसका माउंट बनाया मैंने। भाई क्या सेटिस्फाइंग शॉट्स मिला है ना यार, फर्स्ट टाइम। एक्चुअली ना क्या होता है ना, एक्टिव ट्रैकिंग मोड पे मैंने पहले भी शॉट्स निकाले बट है ना किसी के हाथ में देना पड़ता है RC रिमोट, क्योंकि मैं यहाँ पे किधर भी रख नहीं सकता। और देखा जाए ना तो जो RC रिमोट का जो माउंट आता है, जो बाइक पे जो माउंट लगता है, वो 5,000 रुपीज़ है कुछ अराउंड। तो मैं बोला यार इतना कौन खर्चा करेगा फालतू में, 3 या 5 हज़ार में कुछ है रेंज में। तो मैंने ना वो जुगाड़ बनाया, मैंने क्या किया ना, जो GoPro का एक स्टिक मतलब एक माउंट आता है स्टिक करने वाला, तो उसको मैंने ना जुगाड़ करके उसको मैंने RC रिमोट के पीछे स्टिक किया, वो भी हो नहीं रहा था तो उसको मैंने एक ग्लू लगाया वहाँ पर, कैसे वैसे करके वो अलग जुगाड़ कर लिया। उसके बाद में मेरे पास में ना एक्स्ट्रा माउंट्स थे जो मतलब एक्सटेंडर वगैरह वैसा कुछ रहता है, तो वो मैंने कर करके कैसा वैसा करके अब जो बनाया ना माउंट परफेक्ट एकदम।
और मजा आएगा। मैसूर में जाएंगे ना तभी तो और भी मजा आएगा। मैसूर वाला ट्रिप कल होने वाला है, अभी तो चलो बहुत घाई गड़बड़ में, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करना है, इसके लिए हम लोग है ना ज़्यादा किधर रुक नहीं रहे। 2:30 हो चुके हैं, हम लोग पहुँच गए कराड़। अभी यहाँ से एक्चुअली राइट मारेंगे ना तो मेरा गांव की तरफ जाता है रोड, मतलब 360 किलोमीटर अभी तक हुए हैं। फाइनली 400 किलोमीटर्स कंप्लीटेड आज के दिन के। बाप रे क्या सीन है, किधर से ठोका है, क्या किया है, क्या पता। चलो भाई पेट भर के, खाना भी हो गया, खाना हम लोग ने खाया है कुछ 5 बजे 4:30 बजे, अभी 5 बज चुके हैं। मौसम देख के लग रहा है बारिश का संकेत है। भाई पूरा सब पहनना पड़ा यार, फिर भी मैंने शूज़ का कुछ पहना नहीं है, होप से यार ज़्यादा ना आए बारिश, पूरा शूज़ गंदा हो जाएगा। ये स्क्रीन का क्या सीन हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया स्क्रीन, ऐसा कैसा हो गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। नजारा देखो दोस्तों, बादल ही बादल आए हाय हाय। ये कोई तो एक चेक नाका है, कहाँ है पता नहीं अभी किधर हम लोग रुके हैं, बट हम लोग को ये दिखा है, ये एक्जैक्टली क्या है देखना पड़ेगा, अगर किसी को पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। बहुत प्यारा लग रहा है मतलब यहाँ से। भाई फाइनली अपन पहुंच गए हैं, टाइमिंग हो चुका है 9 बज चुके हैं, बस 5 मिनट के अंदर अपने होटल के वहाँ पे पहुंच जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोग हब्बी है हुबड़ी के वहाँ पे, और कल का हमारा प्लान है यहाँ से मैसूर। अरे वाह हुबड़ी पहुंच के देखो, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। कल है 15 अगस्त भाई, तो हर जगह पर झंडे लहराने वाले है। तो चलो भाई अपना होटल आ गया है यहाँ पे, दिफन जबरदस्त यार। अपना सामान यहाँ पे सब निकल चुका है भाई, अपना पूरा सामान आ चुका है अपने रूम पे, रूम देखो बस। तो 1 BHK बहुत प्यारा रूम है भाई, सच में बहुत बड़ा है यार। वॉशरूम भी बहुत बड़ा है। वाह। सो गाइस आज फाइनली टोटल हम लोग ने कवर किया है कुछ 630 किलोमीटर्स, और कल हम लोग का प्लान है मैसूर तक जाने का, वो भी अराउंड कुछ 500 किलोमीटर है। तो अभी कल मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, अभी एक्चुअली ना ये लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब इंक्लूड है, तो हम लोग ने सोचा कि यहीं से ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलेंगे, और मैसूर पहुँचते पहुँचते शायद से थोड़ा लेट हो सकता है एनीवेज, बट कल की राइड में भी मज़ा आने ही वाला है। तो अभी तक का आई थिंक ये एक फर्स्ट व्लॉग था ये सीरीज़ का, तो मैं इसको अभी ही एंड कर देता हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा रहेगा, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइस, इट्स स्मिथ मुंबई का, एंड एज ऑलवेज से Keep loving, keep supporting and never forget to enjoy your life. अभी ये रूम इस तरीके से पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है, अंदर अंदर इस तरीके से ये बना है। Okay, bye bye.